हेलो दोस्तों जीके स्टडी एग्जाम ट्वेंटी वन में आप सभी लोगों का फिर से का स्वागत है दोस्तों मैंने इस वीडियो में दस जुलाई के फोर्थ सेप्टेम्बर जी के प्रश्न पूछे गए थे उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों मुझे कल टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए दोस्तों मैंने आज इस वीडियो को अपलोड किया है दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शिव प्रताप शुक्ला दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला यह वर्तमान से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शिव प्रताप शुक्ला दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला यह फरवरी दो से हिमाचल प्रदेश के बाईसवें बाईसवें नंबर के राज्यपाल हैं अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसवीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात राज्य में दोस्तों छत्तीसवीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यह गुजरात राज्य में हुआ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में छत्तीसवीं राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक शुभारंभ किया था अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय वाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सात अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यह सात अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की वर्षगांठ है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दस अगस्त दो को प्रतिवर्ष सात अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी उल्लेखनीय है कि सात अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला में प्रतिस्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था अगला प्रश्न है दोस्तों कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य से दोस्तों कालबेलिया नृत्य यह राजस्थान के जोधपुर शहर में किया जाता है इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य दोस्तों कालविलिया के संस्थापक गुरु कान नाथ जी हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्य जैसे कि दोस्तों घूमर गढ़गौर झूलन लीला काल छारी आदि यहाँ के दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं प्रश्न है दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अरविंद घोष दोस्तों श्री अरविंदो का मूल नाम अरविंद घोष था जिनका जन्म 15 अगस्त अठारह सौ ईस्वी में कोलकाता शहर में हुआ था दोस्तों यह पुस्तक उनके द्वारा उन्नीस सौ ईस्वी में लिखी गई थी द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की प्रमुख दार्शनिक रचना है जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को दर्शाया है अगला प्रश्न है दोस्तों राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है दोस्तों इस प्रश्न का प्रतियोगिता है दोस्तों प्रति अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात राज्य में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है पतंग महोत्सव एक अनोखा गुजराती उत्सव है दोस्तों पतंग महोत्सव जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है चौदह जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है अगला प्रश्न है दोस्तों दसवीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत भारत की गरीबी कम हुई थी दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पाँच प्रतिशत दोस्तों दसवीं पंचवर्षीय योजना जो दो हज़ार दो से लेकर दो हज़ार सात तक चली थी इसमें भारत की गरीबी पाँच प्रतिशत तक कम हुई थी इसलिए दूसरा इस प्रश्न का आंसर है पाँच प्रतिशत अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा जुड़वा ग्रह यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शुक्र ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है अगला प्रश्न है दोस्तों कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों कैलाश मंदिर यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान का अनुच्छेद चौबीस संबंधित है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रति निषेध अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा लोकगीत बच्चों के जन्म पर जश्न मनाने के लिए गाया जाता है दोस्त इस प्रश्न का आंसर है सोहर दोस्तों सोहर गीत या बच्चों के जन्म पर जश्न मनाने के लिए गाया जाता है इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोहर दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दस जुलाई के फोर्थ जो जी के प्रश्न पूछे गए थे उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्शन अली के साथ कराया उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है या दोस्तों आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो